नमस्कार मतदार भाइयों बहनों, मैं घनश्याम श्रीलाल पुरोहित विधानसभा क्रमांक 52 दक्षिण पश्चिम विभाग से मैं उम्मीदवार बन के खड़ा हुआ हूँ देश जनहित पार्टी की ओर से। इसके संस्थापक अध्यक्ष माननीय अरविंद उर्फ बालू मेश्राम जी साहब है, मैं इनसे कई माह से जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने मुझे मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे अनुभव को देखते हुए मुझे कहा कि इन्होंने आपको दक्षिण पश्चिम विभाग से चुनाव लड़ना है विधानसभा का। मैंने कहा सर जैसा आप आदेश देंगे। उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि आप वहीं से लड़ो, मुझे इन्होंने वहीं से टिकट दिया है और इस प्रकार से मेरी उम्मीदवारी के फार्म भी कल भर जाएंगे वहाँ। आज हमने कहा सभी फॉर्म लेके आ गए हैं नॉमिनेशन के। और मैं हमेशा से विदर्भ राज्य का समर्थक रहा हूँ। आज से 40 वर्षों से मैं विदर्भ के आंदोलन में जुड़ा हूँ। जब जब राजनीति पार्टियों ने, सामाजिक लोगों ने, सबने जब जब विदर्भ पुकारा है तब तब मैं उनके साथ में रहा हूँ। 40 साल का लंबा अनुभव है मुझे। और जब जब अनेक राजनीतिक पार्टियाँ मिलकर एक मंच पर आकर और विदर्भ की डिमांड किए उस समय भी मैं उनके साथ में था। और जिन जिन लोगों ने पूरे विदर्भ की यात्रा निकाली है 11 जिलों की, उन सब 11 जिलों की यात्रा में मैं प्रमुखता से उपस्थित रहा और प्रथम भाषण मेरा ही होता था। और इस प्रकार से मेरे अनुभव का फायदा लेते हुए बालूजी मिश्राम ने मुझे आदेश दिया और अब मैं विधानसभा चुनाव लड़ने तैयार हूँ। आप इस चुनाव में किन मुद्दों के ऊपर? देखिए, हमारा सबसे पहला मोटो है, मुद्दा है पृथक विदर्भ राज्य हमको चाहिए। पृथक विदर्भ राज्य के प्रमुख मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं और हमारी जो पार्टी है देश जनहित पार्टी, उनका भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि विदर्भ राज्य जब तक नहीं होता तब तक इस विदर्भ की किसी भी प्रकार से उन्नति हो नहीं सकती। क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र में जब से विदर्भ को मिलाया गया था तब से लेकर आज तक कभी भी विदर्भ का भला नहीं हुआ है। जो भी राशि विदर्भ विकास के लिए पास होती थी शासन से, वे विदर्भ को न मिलते हुए पश्चिम महाराष्ट्र के नेता लोग अपने क्षेत्र की ओर ले जाते थे। इस प्रकार ये जब से महाराष्ट्र में विलीन किया गया है विदर्भ को, तब से यहाँ सिर्फ बर्बादी बर्बादी और सिर्फ बर्बादी है। और पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं ने विदर्भ को हमेशा लूटा ही लूटा है। और इस प्रकार से जो हमारे यहाँ के जो नेता है वो भी बहुत जिम्मेदार है यहाँ, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया था शुरुआत से ही कि विदर्भ हम नहीं देंगे। मगर जब कांग्रेस के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने विदर्भवासियों को ये पूरा भरोसा दिया कि आज तक आपने कांग्रेस का कार्यकाल देख लिया, उन्होंने कभी आपको विदर्भ दिया नहीं, अब हम पार्टी बीजेपी ये मैदान में उतरी है, आप हमको दिल्ली से लेकर गली से लेकर दिल्ली तक छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी को चुनकर ला के दीजिए, हम आपको एक महीने में विदर्भ देंगे। ये हमको भरोसा हमारे जो केंद्रीय मंत्री है नागपुर के नितिन जी गडकरी, इन्होंने भरोसा दिलाया था और अपने लेटर पैड पे भी लिख के दिया था इन्होंने सभी विदर्भवासियों को। प्रेस रिलीज हुई थी, सारे मीडिया को मालूम है कि नितिन गडकरी ने कहा था कि मैं सत्ता प्राप्त अगर हमको होती है, मैं चुनकर आता हूँ, तो मैं एक महीने में विदर्भ राज बनवा दूंगा। मगर आपने देखा है कि इन्होंने विदर्भ के साथ में गद्दारी की है, विदर्भवासियों को छला इन्होंने। कांग्रेस से ज्यादा ये जिम्मेदार है क्योंकि इन्होंने छलावा किया है जनता के साथ में। विदर्भ के नाम पर इन्होंने निर्धार यात्राएं निकाली है, पूरे विदर्भ का दौरा किया, पूरे विदर्भ वासियों को इन्होंने कहा जगह जगह 11 जिलों में जाकर कि हम विदर्भ राज आपको देंगे, कांग्रेस ने आज तक नहीं दिया, हम आपको विदर्भ राज देंगे, आप हमको चुन कर दीजिए। उसके बाद में जनता ने इनको भरबोस वोट दिया, इनको सत्ता में लाया, मगर इन्होंने वो कचरे की हर तरफ बीजेपी का बोलबाला है। इसमें आपने अभी देश जनहित पार्टी की शुरुआत की है, तो आपको क्या लगता है कि जनता ने इस वजह से आपको चुनकर देना चाहिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये मेरे ही क्षेत्र से खड़े हैं और मैं उनके क्षेत्र से खड़ा हूं उम्मीदवारी लेकर। उन्होंने भी विदर्भवासियों को ये भरोसा दिया था कि आप हमको वोट दो, मुझे चुनकर लाकर दो, जब तक विदर्भ नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मगर आप सबने देखा है कि उन्होंने किस प्रकार, तो इस प्रकार से
दोनों ही नेताओं ने, जिम्मेदार नेता है विदर्भ के, उन्होंने विदर्भ वासियों को धोखा दिया है, छला है, और विदर्भ वासी वैसे के वैसे ही रहे जैसे पहले थे। विदर्भ इतना सुजलाम सुफलाम प्रदेश है, मगर इन्होंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हम तो कहते हैं, ये सत्ता वाले कहते हैं कि अगर आप विदर्भ वासियों को, हमने विदर्भ राज दे दिया तो आप भूखे मरेंगे। तो हम कहते हैं भाई हमको हमारा विदर्भ राज आप दे दीजिए, हम हमारा देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। और विदर्भ, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं सभी मतदार भाइयों को कि अगर विदर्भ राज्य अलग होता है तो सिर्फ बिजली के भरोसे ही हम सरप्लस राज्य कहलाएंगे, और बाकी हर चीज तो गौण है। यहाँ पर भरपूर फसलें होती है, खनिज है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, अनेक प्रकार की धातु है, खूब फसलें होती है यहाँ विदर्भ में, जिसको सफेद सोना कहते हैं, कपास विदर्भ में भरपूर होता है, काला सोना कोयला कहते हैं, वो भी भरपूर खदान है यहाँ पर। तो विदर्भ के लिए तो बहुत अच्छा अगर हो जाएगा अगर ये विदर्भ बन जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब जब छोटे राज्य बनाए हैं, वो छोटे राज्य बनने के बाद किस प्रकार तेजी से बढ़े हैं, उन्होंने किस प्रकार तेजी से अपने आप का विकास कर लिया, ये इतिहास साक्षी है, आप सबको मालूम है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आप कहते हैं भूखे मरेंगे, हाँ ठीक है हम मर जाएंगे भूखे। हम कहते हैं कि हम सिर्फ बिजली पे ही सरप्लस रहेंगे, सरप्लस राज्य कहलाएंगे ये, और बिजली दर हम यहाँ एकदम सस्ती करेंगे। तो दूसरे जो प्रदेश में उद्योग धंधे वाले हैं, जो एक प्रकार से कई प्रकार की फैक्ट्रियां लगाते हैं, उनको हम विदर्भ में बुलाएंगे, उनको जगह देंगे, उनको कम रेट में बिजली देंगे, तो यहाँ खुशी खुशी से आएंगे, जिससे कि हमारे नौजवान जो बेरोजगार लोग हैं उनको यहाँ काम धंधा मिलेगा। और ये आप नागपुर वासियों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं खास करके जहाँ से मैं चुनाव में खड़ा हूँ, दक्षिण पश्चिम एरिया से, उन मतदार भाइयों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि आपने आज तक सभी राजनीति पार्टियां जिन्होंने कहा है कि हम विदर्भ राज्य अलग कर देंगे, आपने सबका अनुभव ले लिया है, कोई विदर्भ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी जो पार्टी है देश जनहित पार्टी, जिसके अध्यक्ष माननीय बालू भाव मेश्राम है, उनकी 5 राज्यों में बहुत अच्छी पकड़ है, अनगिनत उनके कार्यकर्ता है, नागपुर में भी अनगिनत कार्यकर्ता है। तो आज हम पार्टी की ओर से हमारे प्रभाग के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जनता को, मतदाताओं को, और पूरे नागपुर के, पूरे महाराष्ट्र की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस बार विदर्भ के नाम पर जो कैंडिडेट खड़े हैं हमारे पार्टी से, आप उनको भरघोस वोट दीजिए, देखिए किस प्रकार हम विदर्भ का विकास करके बताएंगे आपको, और यहाँ के बेरोजगारों को, जो बेरोजगार है उनको रोजगार प्राप्त करवा देंगे। और आगे जो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज जो महाराष्ट्र शासन ने चुनाव के सामने लाडली बहना नामक जो योजना लाई है, ये सिर्फ हमारी माता बहनों को वर्ग लाने के लिए, फुसलाने के लिए इन्होंने ये योजना लागू की है, क्योंकि ये 8-10 हजार रुपए जरूर दे दिया इन्होंने बहनों को, मगर आपने देखा है कि 8-10 हजार बांट दिया, और एकदम से तेल के ऊपर इन्होंने डब्बे पर 700 से लेकर 800 रुपए तक के बढ़ा दिया है। ये सारे हमारी बहनों के जेब से ही निकले हैं पैसे, ये पूरे, यानी मतलब ये हो गया कि एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से खूब बटोर लिया इन्होंने पूरा पैसा। और इसी प्रकार ये और भी अन्य योजना ला रहे हैं, कई योजना ला रहे हैं, बच्चों के लिए योजना ला रहे हैं, मगर ये जितनी योजना लाएंगे, जितना पैसा बांटेंगे, उससे कई गुना खींच लेंगे जनता से, जैसे अभी इन्होंने खींचा है तेल के डब्बों पे भाव बढ़ा दिया, और अभी अभी हमको खबर प्राप्त हुई है कि भाई ये 2-4-8 दिन में पेट्रोल डीजल का भी भाव बढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये जनता की लूटी है ना, आज जनता समझ नहीं रही है, आम जो पब्लिक है भोली भाली वो नहीं समझ रही है, आज तो सरकार ने हमारे 1500 रुपये महीना देऊन राली। अरे माता मेरी बहनों, मेरी लाडली बहनों, ये आपको लूटने का कुछ चक्र है, ये अभी आपको 1500 रुपये महीना दे रहे हैं, लेकिन आपसे 15000 रुपये महीना खींच रहे हैं ये आपसे, ये आप समझिए अच्छे से। और खुदा न खास्ता अगर इनकी सरकार चली जाती है ना, तो भी ये योजना ये बंद कर देंगे, और अगर ये जीत कर भी आते हैं तो एक दिन महीना आपको और देंगे, और उसके बाद में सीधा स्टेटमेंट जारी कर दिया जाएगा कि भाई काही कारणामुळे आम्ही ही योजना रद्द करण्यात आलेली आहे। तो इसको आप संज्ञान में लीजिए मतदाता भाइयों, ये बहुत बड़ा छलावा हो रहा है हमारी बहनों के साथ में, क्योंकि हमारी माता बहनों को घर गृहस्थी चलाना पड़ता है। किस आज जो मैं जिस मतदार संघ से खड़ा हूं, 54 नंबर से, दक्षिण पश्चिम विभाग से, ये एरिया माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में उनका डिमोशन हो गया और वे उप मुख्यमंत्री है अभी, उनके एरिया में देखिए आप कितना क्राइम हो रहा है। आप मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से सब आप पढ़ते हो, सुनते हो, उसके बाद में वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था तहस नहस है, सड़कों की हालत खराब है, और ऊपर से कचरों के ढेर लगे, अंबार लगे हैं,
ये कौन करेगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि एक बार हमको इस देश जनहित पार्टी को मौका दीजिए, आम जनता की जितनी भी समस्या है, जो भी हमारे ऑफिस में समस्या लेकर आएगा, ये हमारा उनसे वादा है कि हमारे बालूभाव मेश्राम आपके तरफ ध्यान देकर आपकी समस्याओं को हल करेंगे, उसके लिए अथक प्रयत्न करेंगे और आपको उन समस्याओं से निजात दिलाएंगे, हमारी माता बहनों को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि आज हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है। देख रहे हैं ना, हम नागपुर में भी कितने बलात्कार हो रहे हैं, मगर एक भी साबित नहीं हुआ है, सरकार ने कोई साबित नहीं किया। और रही बेरोजगारी की बात, तो आज विदर्भ का बेरोजगार जो नौजवान है, माता पिता ने उनको इतना पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां ले ली, मगर उनके पास रोजगार नहीं होने से वो हताश हो गए हैं, और हमारे कई बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली है कि हमारे माता पिता ने हमको इतना खर्चा लेकर पढ़ाया लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं मिल रही है। प्रिय मतदार भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हमारा जो चुनाव चिन्ह है देश जनहित पार्टी का, वो है दफ्तर, स्कूल का दफ्तर, और वो हमने दफ्तर चुनाव चिन्ह इसीलिए लिया है कि हम हर बच्चे से लेकर नौजवान तक को सुशिक्षित करने का बहुत अथक प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हमारे देश में अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान पैदा हो और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमारा सहकार्य करे। और अंत में मैं मेरे दक्षिण पश्चिम के मतदार भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार जनहित पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हो उनको भरघोस मतदान देकर, और ये जो पुराने दगाबाज नेता है विदर्भ के, उनको आप सबक सिखाइए और एक बार हमको मौका दीजिए, फिर देखिए किस प्रकार से हम आपके विकास के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ।